चलो बेटा, नेक्स्ट फॉर्म है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। क्या है ये? नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म होता है, इसके अंदर दिया हुआ क्या है? देखो, हम जितने भी इक्वेशंस ऑफ प्लेन देख रहे हैं, इस इन सब के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गिवन क्या है, तो उस गिवन के अकॉर्डिंग आप वर्क करके प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हो, प्लेन को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, ये जो नाम दिया नॉर्मल फॉर्म, तो देखो सिचुएशन क्या है कि थ्योरम दे रखा है यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म के लिए, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। अब द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन निकालना है कि जिस प्लेन का डिस्टेंस है पी यूनिट फ्रॉम दी ओरिजिन एंड टू विच यूनिट वेक्टर एन कैप इज नॉर्मल इज, मतलब क्या बात हो रही है? देखिए, गिवन क्या है इसको अच्छे से समझना होगा कि आपके पास एक प्लेन है जिसका आपको इक्वेशन लिखना है। सो नाउ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज पी यूनिट। तो मान लेते कि एक पॉइंट है एन और हमारे पास ओ एन डिस्टेंस है दिया हुआ पी यूनिट। ओके, ओ एन इज पी यूनिट, ये गिवन है। अब दूसरी चीज बोलो, क्या बोल रहे हैं? उस प्लेन को एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है एन कैप इज नॉर्मल। अब ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में कि देखो, हम लोग जब प्रूव करते हैं तब हम लोग ये जो डिस्टेंस आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी के अलावा हम लोग वो यूनिट वेक्टर लेने वाले हैं जो हमें ये इक्वेशन लाना है, प्रूव करना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस आपको दिया है उसी डिस्टेंस उसी मैग्नीट्यूड के अलावा आप यूनिट वेक्टर लिखे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि प्लेन को एक वेक्टर परपेंडिकुलर है जिसका यूनिट वेक्टर हमें लेना है, वो वेक्टर नहीं लेना है जिसका यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है। तो होता क्या है, मतलब इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, तो आपके पास प्लेन को एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उसका यूनिट वेक्टर लेना है और डिस्टेंस, मतलब गिवन चीजें समझ में आ गया आपको? जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि जिसके अंदर आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना है लेकिन गिवन चीज क्या है, प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड उस प्लेन को एक नॉर्मल दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर लाइन या फिर वेक्टर, लेकिन उस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आपको लेना है। इस बात को समझिए, इसके पहले वाले सिचुएशंस जो थे, जो कि पहला सबसे पहले इक्वेशन जो हमने देखा था उसके अंदर एक पॉइंट एंड नॉर्मल दिया था, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर दिया था ना एन बार और एक पॉइंट था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, परपेंडिकुलर वेक्टर तो है लेकिन वेक्टर नहीं लेना है, उसका यूनिट वेक्टर लेना है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया है और डिस्टेंस दिया है, ये दो चीजें हैं। तो कैसे लिखा जाएगा इक्वेशन? तो देखिए, हमेशा की तरह एक नॉर्मल पॉइंट लेना पड़ेगा, जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग हर बार की तरह आर बार लेते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें जो नॉर्मल चाहिए एन कैप यूनिट वेक्टर विच इज अ नॉर्मल टू द प्लेन जो परपेंडिकुलर है। तो देखिए, हमें पता है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्यों ना ओ एन के अलोंग ही ओ एन बार भी तो एक वेक्टर बन सकता है, ठीक है ना, उसको डायरेक्शन दे दो। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और हमें ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एन बार हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट एन कैप बी दी यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग ओ एन बार, ठीक है। तो हमारा काम बन गया क्योंकि ये जो एन कैप रहेगा वो अब प्लेन को परपेंडिकुलर है और हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखा है पी। तो हम लोग अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हमेशा की तरह हम हमारे पास है एनपी बार विच इज अ परपेंडिकुलर टू, देखो एनपी बार तो प्लेन का हिस्सा है वेक्टर, तो अगर प्लेन को आपका ओ एन बार परपेंडिकुलर है, मतलब एन कैप परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो दैट एनपी बार इज परपेंडिकुलर टू योर एन कैप यूनिट वेक्टर, एंड देयर फॉर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज जीरो। नाउ एनपी बार क्या है, दैट इज एनपी बार, तो एन पी बार है ओ पी बार माइनस ओ एन बार, दैट इज इसका पोजिशन वेक्टर हम लोग बोलते हैं आर बार। सो आर बार माइनस ओ एन बार का मतलब क्या? अब हाँ, अब ओ एन बार कैसे लिखेंगे आप, पोजिशन वेक्टर ओ एन बार,
इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर ओ एन बार कैसा लिखेंगे आप? तो ओ एन का मैग्नीट्यूड कितना है? पी है, और इसका अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन किया एन कैप। ठीक है, तो ओ एन बार की जगह मुझे एनपी बार लिखना है ना। सो व्हाट इज एनपी बार? एनपी बार इज ओपी बार माइनस ओ एन बार। सो ओपी बार इज आर बार माइनस ओ एन बार इज नथिंग बट वॉट? पी, दैट इज ओ एन इंटू एन कैप। ठीक है, सो आर बार माइनस पी इंटू एन कैप। नाउ डॉट एन कैप, दिस इज इक्वल टू जीरो। दैट इज, अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आपको मिलेगा आर बार डॉट एन बार, एंड दिस इज इक्वल टू पी इंटू एन कैप इंटू एन कैप। बट एन कैप इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आएगा वन। ठीक है, एंगल जीरो तो कॉस जीरो का वैल्यू वन, और उनका मैग्नीट्यूड वन वन, तो ये आ जाएगा वन। मतलब फाइनल इक्वेशन आपको मिल गया ये आर बार डॉट, सॉरी ये यहाँ पर एन कैप है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये बन गया आपका इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन बट इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे। देखिए होता क्या है, आपके पास यहाँ पर बात हो रही है यूनिट वेक्टर की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, जैसे एक प्लेन आपको दिया है, उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस आपको दे रखा है, लेकिन उस वेक्टर को एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है कोई भी एक। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर वेक्टर के आपके पास डिरेक्शन कोसाइंस है, दैट इज एल एम एन आपको पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, याद करो वेक्टर को जिसके अंदर हम लोगों ने डिरेक्शन कोसाइंस के बारे में देखा। किसी भी वेक्टर के अगर आपको डिरेक्शन कोसाइंस पता है तो यू कैन राइट यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अगर मान लीजिए आपको ए बार नाम का कोई वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है एल एम एन, तो आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप लिख सकते हो एल आई क्या प्लस एम जे क्या प्लस एन के क्या। याद आती है ये बात? नहीं याद आती तो देखिए पिछले लेक्चर्स। वैसे वेक्टर्स के लेक्चर्स काफ़ी सारे लास्ट वाले इंपॉर्टेंट थे, वो आप लोगों ने छोड़ दिए है, देखे ही नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शायद आता होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा सर ने जो पढ़ाया उससे, इसलिए आप लोगों ने नहीं देखे। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो मान लो मेरी बात कि वेक्टर के लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अगर कोई एक वेक्टर है जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, मैं यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेक्टर जो पहले केस में था उसी प्रकार से, अगर आपके पास सिर्फ वेक्टर दी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो देखो आपके पास तो डिस्टेंस तो है ही, तो आपके ओरिजिनल इक्वेशन में डिस्टेंस तो राइट हैंड साइड में आएगा, लेकिन यहाँ पर आर बार के साथ में कौन आएगा? तो जो नॉर्मल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वो आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट रिमार्क हो गया आफ्टर द थियरम, जिसको आपको एग्जाम्पल में यूज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है, दैट इज, मैं थोड़ा सी फ्री स्पेस थोड़ी सी बना लेता हूँ यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी होगी कि कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें। देखिए आपके पास आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी है। अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आपको क्या लिखना होगा? ये इसके कोऑर्डिनेट्स तो एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वेक्टर, तो जो मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा, तो इस यूनिट वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एल एम एन, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। तो आर बार मेरा रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है हमें, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। और एन कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, क्योंकि पता है यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट क्या रहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अब देखिए क्या आता है इसका कार्टेशियन इक्वेशन। सो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। सो दिस इज व्हाट कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, तो जब आपको ये वाला सिचुएशन दे रखा है उस सीन में कार्टेशियन इक्वेशन कैसा बनता है? तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इसको ध्यान में रखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ बनती है बेटा। देखो सबसे पहला जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था ना, दैट इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू
ये सेकंड रिमार्क है। अब जो बात करूँ थर्ड रिमार्क लिख लेना, ए बार डॉट एन बार, ये सबसे पहले इक्वेशन देखा था हमने कि आपके पास एक पॉइंट दे रखा है और नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया है, तब आप इक्वेशन ऐसे लिखते हो। तो आपको पता है इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन को ऑप्टेन कर सकते हो नॉर्मल फॉर्म के। कैसे पता है? अगर मान लीजिए आपने ये इक्वेशन लिखा है तो बेटा ए बार डॉट एन बार ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब कुछ ना कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी जिसको हम लोग थोड़ी देर के लिए एक नंबर मान लेते हैं जो है डी, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट है, नंबर है। अब अगर आप ये जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, इसके अगर आप मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा एन कैप, और ये इसको एज इट इज रहने दीजिए। वैसे भी ये क्या था, पी, मतलब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना आपको, तो वो डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो राइट हैंड साइड अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया है तो इस फॉर्मेट में ये आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, ये फॉर्मेट अगर दिया है ना, तो समझ लेना कि पहला इक्वेशन दिया है उससे हमें ऑप्टेन करना है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे ऑप्टेन करेंगे, तो ये एन बार परपेंडिकुलर होता है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो राइट हैंड साइड में जो मिलता है वो होता है पी। सो दिस इज अवर पी, ये थर्ड रिमार्क लिख लेना, ठीक है। चौथी बात, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपका जो परपेंडिकुलर है या फिर जो नॉर्मल है उसके अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है वो दे रखा होगा, मतलब आपके पास एल एम एन होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है, और आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसके ऊपर एग्जांपल पूछा जाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एल पी एम पी एंड एन पी। अगर आपका जो नॉर्मल है उसका यूनिट वेक्टर अगर आपको पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास रहेंगे एल एम एन, और दूसरी चीज आपके पास ये डिस्टेंस रहेगा पी, ठीक है। तो हर डायरेक्शन कोसाइन से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कीजिए एल से पी को, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिमार्क है कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ये प्लेन ओरिजिन से पी इतने डिस्टेंस पर था, तो देखो बेटा कभी भी स्पेस के अंदर आपके पास पी जितने डिस्टेंस पर दो प्लेन रहेंगे, ठीक है। जैसे ये इस दिशा में था तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिशा में दूसरा रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं फिर उसको, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी लिख सकते हैं। अगर आपको इतने डिस्टेंस पर कितने प्लेन बताने हैं तो दो प्लेन की इक्वेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या चीज बतानी थी मुझे, पहले इक्वेशन से कैसे ये इक्वेशन रिड्यूस करना होता है ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, ये भी चीज़ बता दी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बता दिए, फिर डायरेक्शन कोसाइन्स, हाँ अब जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये बताना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये इक्वेशन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी है, लेकिन बेटा जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है, ये जो हम लोगों ने अभी ऑप्टेन किया ना, इसके अंदर अगर मैं n बार लिखूंगा, मैं n कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं n बार जो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और ये जो n बार है ना इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका डायरेक्शन, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है, ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या एल एम एन मिल रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन है, लेकिन इससे आपको क्या ऑप्टेन होता है पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू ऑप्टेन होता है डी। तो बेटा ये और इस इक्वेशन में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दो इक्वेशन अलग अलग है। इस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको जब भी एग्जांपल में दिया जाएगा, जब तक बताया नहीं जाता कार्टेशियन इक्वेशन है तब तक आपको जनरल इक्वेशन मानना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन दो इक्वेशंस में गलती कर बैठते हैं, क्योंकि देखो दोनों भी तो कॉन्स्टेंट ही तो है, एल एम एन रहने दो या फिर ए बी सी रहने दो, वो तो नंबर्स है।
अगर आपको ऐसे कोई दे दिया तो आपको क्या लगता है यार ये तो कार्टेशियन इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, और आप धाड़ करके ये डिस्टेंस लिख देते हो कि यही डिस्टेंस है। नहीं, अगर आपको इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसका मतलब कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तब जाके ये इसका कोएफिशिएंट कन्वर्ट हो जाएगा एल में, इसका कन्वर्ट हो जाएगा एम में, इसका कन्वर्ट हो जाएगा एन में, और ये बन जाएगा पी, दैट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब यहां पर क्या बोला है, ये प्लेन है, मतलब क्या, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, इसको कार्टेशियन इक्वेशन मत समझना, क्योंकि यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। अगर अगर मान लीजिए कि आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन समझ लेते हो तो आप क्या करेंगे, धार से सिक्स को राइट हैंड साइड में भेज देंगे और आपको समझ में आ जाएगा यार एल एक्स एम वाई एन जेड दिया है तो हो गया पी तो सिक्स यूनिट, और गलती हो जाएगी। तो अब आपको क्या समझ में आता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस फॉर्मेट में जब इक्वेशन लिखा हुआ रहता है और बताया नहीं जाता कि ये कार्टेशियन इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में, तब तक ये जनरल इक्वेशन रहेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, इट रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। ये चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक है ना, अब तक पता था क्या ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, और थ्री वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेन रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बेटा मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है रिलेटेड टू नॉर्मल फॉर्म, और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर एग्जाम्पल है सॉल्व एग्जाम्पल, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो तुरंत इनको डिस्कस किया जाए। तो चलिए देखो, इन सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है और रिवीजन देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, ताकि आप लोग इक्वेशंस को भूल ना जाओ, ठीक है। जो बच्चा रिवीजन नहीं देता उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता। तो रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप पढ़ते हो, आप मान लीजिए आपको 30 टॉपिक दिए, 30 में से आप 20 को ही अगर मान लो प्रिपेयर करते हो, लेकिन 20 को आप अच्छे से रिवाइज करते हो, तो 20 में से ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई टॉपिक का आपको एग्जांपल सॉल्व करने को ना आए। लेकिन आप 30 करते हो, सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करते हो, लेकिन किसी को भी ढंग से रिवाइज नहीं करते हो, तो ये भूल गए, वो भूल गए, वो भूल गए, फिर लिख ही नहीं पाएंगे। जैसे आप प्लेन टॉपिक पढ़ रहे हो, प्लेन के अंदर क्या है, प्लेन जितना भी टॉपिक है उसमें से आधा टॉपिक किसके ऊपर डिवाइड किया है, ये 5 इक्वेशन है प्लेन के अलग अलग सिचुएशन के। अब इनको रोज उठ के लिखना है, लिखने में कितना टाइम जाएगा, 5 या 10 मिनट जाएगा, तो 10 मिनट रोज लिखते जाओ, तो इससे आपका फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, है ना, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ज़्यादातर चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, और ना भूलना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज 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 प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें महारत हासिल कर पाओगे, ठीक है बेटा, ओके। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। आपको प्लेन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब पी की बात हो रही है, पी दिया है 6 यूनिट, ओके, एंड टू विच द वेक्टर इज नॉर्मल, एंड टू विच द वेक्टर इज नॉर्मल, क्या बोल रहे हैं, ये वेक्टर नॉर्मल है बोल रहे हैं, किसको, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड टू विच, ओके, टू विच द वेक्टर इज नॉर्मल, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि ये जो एग्जाम्पल दिया है, तो इसके अंदर अब हमने थ्योरम के अंदर जो प्रूव किया था उसमें क्या हुआ था, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी के अलावा हम लोगों ने यूनिट वेक्टर ले रखा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस अलग है और जो यूनिट जो नॉर्मल दिया है, जो वेक्टर है, दिस इज अ नॉर्मल। तो अब हमें ये नॉर्मल नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में, इक्वेशन क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट, ओके, अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखना है आपको, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि नॉर्मल फॉर्म में, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा फिर नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, ये पहले वाले केस से मैच नहीं कर रहे, कैसे समझेगा। तो पहले वाले केस में नॉर्मल वेक्टर, देखो यहाँ पर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है आपको प्लेन को, पहले वाले केस में भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन दे रखा था एन बार, यहाँ पर भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया है, लेकिन वहां पर एक पॉइंट भी आपको पता होता था प्लेन के ऊपर का, यहाँ पर वो पॉइंट नदारत है, और क्या दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे समझ जाना है कि वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो नॉर्मल फॉर्म वाला लिखना है, ठीक है। तो पी दिया है 6 यूनिट और
एन बार दिया है, नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड पहले तो फाइंड आउट कीजिए। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4a² + b² + c² 4, तो आएगा 3, 4 + 4 8 + 1, इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप इज नथिंग बट वॉट, एन कैप इज नथिंग बट वॉट, एन बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, तो 2i - j+2k एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 3, ठीक है। तो ये मिलेगा आपका एन का एन कैप। तो चलिए आपका इक्वेशन क्या है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है। सो आर बार इज नथिंग बट वॉट, आर बार ही, आर बार को आर बार ही लिखते हैं हम लोग। और एन कैप को क्या लिखना है, 2i - j+2k डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू p6। तो इसको उधर भेज दो तो क्या क्या मिलेगा, आर बार इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन दिया है, जब तक बोला नहीं जाता कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है तब तक इसको जनरल इक्वेशन समझेंगे। तो ए बी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, इसको आप कैसे लिखना, x - 3y + 4z = 6 लिख दो, वेयर ए इज 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू 4। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस वेक्टर, हमें पी निकालना है, ठीक है। तो हाँ, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। अच्छा, कैसे निकाला जाता है बेटा पी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा कार्टेशियन इक्वेशन में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस वाले इक्वेशन को ax + by + cz = d को कैसे कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा आप इसको डिवाइड करते हो √a² + b² + c² से, जिससे ये वाला डायरेक्शन रेशियो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन के अंदर। इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा m, इसको भी डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा n, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, x डिवाइडेड बाय, सबसे पहले तो ये रूट फाइंड आउट कर दीजिए, a² + b² + c² तो ये कितना बन जाएगा, 1 + 9 + 16, तो ये कितना आता है, ये 10, 26 आता है रूट के अंदर, ठीक है। तो क्या मिलेगा फिर आपको, x/√26 - 3y/√26 + 4/√26 z = 6/√26। तो अब ये क्या बन गया आपका, आपने जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है कार्टेशियन इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होता है आपका, lx + my + nz = p, और ये जो होता है राइट हैंड साइड में, ये होता है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 6/√26 यूनिट, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है आपको कार्टेशियन इक्वेशन में। और बहुत सिंपल है कन्वर्ट करना, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, ए बी सी रहेंगे डायरेक्शन रेशियोज, और ये तो आपको पता ही है, डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट से, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आ रही, वो समझ लेना कि आपने वेक्टर ना देख के बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस वाला पार्ट। जिनको ये नहीं समझ में आता है कि ए को डिवाइड बाय √a² / b² / c² करने से एल कैसे मिला, तो उन लोगों को वो देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं बाकी के दो क्वेश्चंस लिखता हूँ और फिर उनको भी डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, तो ये दो क्वेश्चन निपटा देते हैं तो हमारा ये फॉर्म खत्म हो जाएगा, फिर एक ही बचता है लास्ट, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके, हाँ ये एग्जाम्पल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। एक और रिमार्क जो मैंने आपको बताया था कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। बताओ, ओरिजिन से प्लेन तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस परपेंडिकुलर का प्लेन के ऊपर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटे उसके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पी डिस्टेंस, और आपको पता होना चाहिए LMN डायरेक्शन कोसाइन। अगर ये पता चलते हैं तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो भी मानते हो, जैसे मान लीजिए एन मानते थे हम लोग, लेट एन बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देन एन के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, LP NP MP NP, ठीक है, LP MP NP, ये हमें पता है।
अब निकालना क्या है, P और LMN, तो ये कैसे मिलेंगे, तो आपको दिया है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो करना क्या पड़ेगा आपको पता है, हियर 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 18 इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 2 आर डायरेक्शन रेशोज, एंड देयर फोर आर डायरेक्शन रेशोज। तो आप लोग रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, विच इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 3 आएगा आपका ये, तो 3 से आपको थ्रू आउट इक्वेशन डिवाइड करना है। देयर फोर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन कैसे मिलेगा, 2x बाय 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 2z बाय 3 विच इज इक्वल टू 18 बाय 3 दैट इज नथिंग बट वॉट 6। ठीक है, तो आपके पास है 2/3x प्लस 1/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू 6। अब ये है आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर ये है तो ये बन गया l, ये बन गया m और ये बन गया n और ये बन गया आपका p। सो l है आपका 2/3, m है आपका 1/3 एंड n है आपका माइनस 2/3। ठीक है, और P है आपका 6, P है 6, तो बस हो गए, आप कोऑर्डिनेट्स निकालने में क्या दिक्कत है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर एल पी दैट इज 2/3 इंटू 6, एम पी दैट इज 1/3 इंटू 6, एन पी दैट इज माइनस 2/3 इंटू 6, तो क्या मिल रहा है आपको 4, 2 माइनस 4, एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 2 माइनस 4 सही है, तो ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल बेटा, देखिए लास्ट एग्जांपल ये जो मैंने रिमार्क आपको बताया था कि जब आपके पास ये वाला इक्वेशन होता है, कौन सा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी वाला इक्वेशन होता है, तो इसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दिस परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है ना, तो यहां पर क्या दिया है, रेड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड, तो जैसे आप इसको रिड्यूस कर दे तो नॉर्मल फॉर्म में वहीं पर एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, ये दोनों अपने आप आ जाते हैं आपके सामने, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, राइट हैंड साइड में वही होता है, एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल, तो ओके एकदम। देखो गिवन इक्वेशन इज आर बार डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 8। अब जैसे उन्होंने कहा है कि इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो समझ जाना है कि भैया ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है, ये कौन है फिर, ये है वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका एन बार, सो हियर कंपेयरिंग विथ आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, वी गेट एन बार इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एन से, तो वो क्या है, 9 प्लस 16 प्लस 144, तो कितना बन जाएगा ये 169 दैट इज 13। तो बेटा दिए गए इक्वेशन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो 13 से आर बार डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 13 विच इज इक्वल टू 8/13, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका आर बार डॉट 3/13 i कैप माइनस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 8/13, तो आपको पता है इधर तो क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप, और ये फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो एक्स एल एक्स एम वाई एन जेड, मतलब ये क्या बन गया, अभी ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर एन कैप, तो एल बन गया आपका 3/13, एम बन गया माइनस 4/13, एन बन गया 12/13, सॉरी एन बन गया 12/13 एंड पी दैट इज डिस्टेंस बन गया 8/13। तो पहला आपको निकालना था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज 8/13, और दूसरा निकालने थे डायरेक्शन कोसाइंस, वो आ गए यहाँ पर, तो ये वेरिएशंस थे नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चंस के। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टूडियो में, जिसके अंदर लास्ट फॉर्म देखेंगे हम लोग। ठीक है, और वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, देखेंगे डिस्कस करेंगे, गुड बाय।